सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल व्लॉग्स बाय निकी। सो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आज है संडे और मेरे सारे जूनियर्स और मेरे बैचमेट्स हैं अपने रूम पे, मतलब सबकी छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक हॉस्टल का छोटा सा टूर दिया जाए आप लोगों को। तो मैं और मेरी रूममेट है, हम जा रहे हैं आप लोग को हॉस्टल का टूर कराने। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपना हॉस्टल का टूर। तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा पूरा हॉस्टल। ये रहा, आज संडे है ना तो बहुत सारे कपड़े धुल रखे यार, पूरा कपड़े ही कपड़े से भरा दिख रहा है। ये हैं तीन फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ गार्ड अंकल लोग रहते थे बट अभी वो भी नहीं रहते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर में इधर साइड हमारे जूनियर्स रहते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर वाले रहते हैं। ये है सेकंड फ्लोर जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ से यहाँ तक, और वहाँ पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं, उससे ऊपर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, और इधर कोई भी नहीं रहता। इधर है बहुत प्यारा सा पेड़, बट ये पेड़ लग जाता है हमारे दोस्तों के रूम के आगे तो उनके रूम पर धूप नहीं आती है। और ये है मेरी रूममेट जो मेरे साथ हेल्प कराने आई है और पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही है ताकि मेरे थंबनेल के लिए इजी पड़ जाए। चले कनिका, चलो चलो। तो चलिए गाइस, अब आप लोग को हॉस्टल के अंदर ले जाते हैं। वो रहा हमारा कॉलेज, काफ़ी पास पड़ता है कॉलेज और हॉस्टल तो हमें बहुत इजी हो जाता है जाने आने में। और ये रहा मेन एंट्रेंस गेट, लेट्स गो। ये कुछ ऐसा सा है, यहाँ पे हम अटेंडेंस लगाते हैं शाम को। हाँ नहीं, ये रहा ग्राउंड फ्लोर, काफ़ी आइसोलेटेड सा है। ये देखिए भूत, कोई भी नहीं है इधर पे। और ये रहा हमारा हॉल जिसमें हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो कुछ इस तरीके का है हमारा हॉस्टल। तो चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि जूनियर्स क्या कर रहे हैं। उनके एग्जाम होने वाले हैं यार, बेचारे पढ़ाई के होंगे शायद, चलो फिर भी। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर का, और चलो हम कहीं भी किसी के रूम पे चले जाते हैं। सीनियर्स आपके, नो रिस्पॉन्स। उधर है वॉशरूम वगैरह, बाहर आना है, इनका तो मेकअप चल रहा है। और ये हमारे जूनियर्स का रूम, और ये हमारी प्यारी सी जूनियर इतिका। हाँ तो दे, अरे कोई बात नहीं, सबका स्किन केयर रूटीन चल, इतिका का स्किन केयर रूटीन चल रहा है क्योंकि आज संडे है। और ये है इनके भगवान जी, काफी प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से दिखाती हूँ कैसा दिखता है व्यू, काफी ही प्यारा दिखता है। ये देखिए, ये रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि होने वाले हैं इनके एग्जाम्स, और ये भी बढ़िया से धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो जूनियर्स, कैसी चल रही पढ़ाई? गुड मॉर्निंग। ये भी हैं हमारे बेचारे कुछ जूनियर्स, गुड मॉर्निंग। देखो इनका रूम कितना अच्छे से डेकोरेट किया। किसका बर्थडे था यहाँ पे? अच्छा निकिता, अच्छा मेरी नाम राशि का बर्थडे था यार, कितना अच्छा सेलिब्रेट करते हो तुम। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, चलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं सेकेंड ईयर के पास, मतलब उनसे मिलने। तो दोस्तों ये वाला फ्लोर जो है वो अभी खाली है क्योंकि इधर पे आएंगे जो अभी फ्रेशीज आने वाले हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, वो शायद इधर रहेगा, होप सो। और अब हम चलते हैं सेकंड ईयर वाले फ्लोर पे, चलो। ये रहा सेकंड ईयर का फ्लोर और ये हमारा फ्लोर, मतलब इधर पे हम लोग रहते हैं और इधर पे रहते हैं सेकंड ईयर वाले। ये हमारी बैचमेट चंपा, पानी नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ से हम पानी झाड़ते रहते हैं बस। कनिका बस रूम नॉक करने का काम कर रही है और बेइज्जती सह रही है। हेलो, देखो इनका रूम बहुत प्यारा है। ये रहा आर्टिस्ट का है, आर्ट तो ये आर्ट का है, भागी का, भागी आर्ट, पता नहीं आर्टिस्ट है, शायद गायब है। और ये है अंजलि, हमारी प्यारी सी जूनियर, अभी घर गई थी। हाय, चल अपने रूम के बारे में कुछ बता जल्दी फटाफट, कुछ भी बनाया हमने। हाँ, इसने क्या क्या बनाया, चल तू ये बता, तूने क्या क्या बनाया? मैंने ये बनाया। ओ अंजलि, ये रहा अंजलि की आर्ट और ये रही हमारी आर्टिस्ट। ओ माय गॉड, ये मैंने भी ट्राई किया था यार, मेरे से बहुत गंदा बना बट इसने काफी अच्छा बनाया है। और ये रही इनकी भसड़। क्या कर रही थी अभी? क्या बनाती? ये फिर से कुछ क्रिएटिविटी कर रही है, तो इस क्रिएटिविटी को देखने के लिए हम बनाएंगे। ये बच्चों जैसे चरखा के रखा है भाई तुमने, अच्छा लग रहा है। ये रही अक्षिता,
ये है, ये बंदर, बंदर जैसे दिखती है और ये काफी अच्छी ड्राइंग करती है, ये आर्ट द आर्टिस्ट। और बताओ, और कुछ बता सकती है, और कुछ बताना चाहती है? चलते हैं, एंड दिस इज मी व्लॉगिंग। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा सा दिखता है हमारे हॉस्टल से। यही इधर को है हमारे दोस्तों का रूम, तो उधर भी चलेंगे अभी। तो ये रहा सेकंड ईयर के कुछ बच्चों का रूम। हेलो, तो ये संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिखाऊं कैसे? कुछ ऐसे, ये हेयर कट कर रहे हैं। भावना ने अपने बाल कटाए हैं, क्यों कटा रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी क्या तुम्हें? इससे गंदे हो गए, खुद ही लगे पड़े। चलो ठीक है, बाय, हैव फन, बाय। ये इनका, ये है इनका पूरा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये इन्हीं का है, इन्हीं का है जो भी है। करेगा, चलो ओरिएंट कराओ, ओरिएंट करा दो हमारा गंदा सा। ये है हमारी शूज की दुकान, ये हमारे शूज की दुकान, यहाँ पे बच्चे शूज की दुकान खोले रखते हैं, आगे से लेके पीछे तक का। हाँ अभी दिखाते, तो चलिए चलते हैं हम अपने दोस्तों के रूम पे। ये देखो बस एक ही लड़की उठी हुई है यहाँ पे और बाकी वो दोनों सो चुके हैं। तो चलो देखते हैं इनके रूम पे क्या क्या है। कुछ बताना चाहोगे आप अपने रूम के बारे में? हाँ बताओ। चलो ये देखो, इसके पास बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये दिया था इसके रूममेट्स ने, काफी सुंदर दिख रहा है और आजकल शायद ऑन ट्रेंडिंग यही चल रहा है ना। और ये है अंबानी, ये है इसका अंबानी जो काफी साल से इसका साथ नहीं छोड़ा है, 4 साल से तो हम ही देख रहे हैं भाई। और ये रहा इनका छोटू सा मंदिर, ये शिव जी, और ये गन्नू गणेश जी, और ये भी भावना के पर्दे में देखो कितना क्रिएटिव है। ये है इसके दो रूममेट्स, अभी सो चुके हैं, नाइट शिफ्ट चल रही थी ना उनकी, इसलिए बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो सो गए यार, बहुत मेहनत करते ना इसलिए सो चुके हैं, और सपना गुस्सा होके सो गई है। सबसे प्यारा तो ये है डेनो, इसका नाम डेनो है, बट हम इसे हाय, बट हम इसे कुछ भी बोल देते हैं, हम नाम याद तो रहता नहीं, डेनो वेनो पता नहीं कुछ, डेनी। चलो दोस्तों, तो इस तरीके से दिखता है इनका रूम। तो चलिए अब हम चलते हैं चंपा दामिनी उर्वा के रूम पे, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। हाय हेलो, ये रहा इनका रूम, और चंपा हमें अभी मिली थी बाल्टी भरते हुए। तो ये है इनका रूम, और देखते हैं उर्वा कुछ बताओ, ये सब उर्वा ने बनाया है, ये दामिनी ने इसको गिफ्ट किया है, दामिनी इसके रूम मेट ये, और ये उर्वा ने बनाया है। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह मोहम्मद। ये लोग भी काफी ज्यादा क्रिएटिव है, और उर्वा का भी यूट्यूब चैनल है, तो इसने यहाँ पे वो बना रखा, हाँ फॉलो योर हार्ट गाइस। बताइए अपने यूट्यूब चैनल का नाम, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ये इसने कुछ कोट्स लिखे हैं और ऐसे डेकोरेट किया है। और ये रही दामिनी, जम्मू की लड़की, और ये है चंपा, ये तो अभी भी मिली थी हमें बाल्टी भरते हुए, ये चंपा बहुत क्रिएटिव है यार। चलो ठीक है, ठीक है, बाय गाइस, अब हम जा रहे हैं और दूसरे फ्रेंड्स के रूम पे जा रहे हैं। बाय उर्वा, बाय बाय। तो अब हम चलते हैं दूसरे फ्रेंड्स के रूम पे, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो सोए हुए हैं क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आए हैं, कुछ बच्चे मेले चले गए, हाँ कुछ मेले अभी भी घूम रहे हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ पे कोई है नहीं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको अपनी एक्स रूममेट का रूम टूर देती हूँ। ये रही मेरी एक्स रूममेट, बुलाएगी नहीं अंदर? आओ आओ आओ, हम मेहमान है, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। तो ये रहा इसका रूम, इसकी रूममेट हमेशा गायब रहती है, जो अभी भी गायब है उसको हम ढूंढने जाएंगे। ये रही प्रिया से, हाय, वी आर एक्स रूमीज। चलिए अब हम चलते हैं ज्योति लोक के रूम पे। हेलो, लेट्स गो, इनके रूम में बहुत गर्म हो रहा है। हाँ यार, हीटर लगाया ना इसीलिए। ये है ज्योति, ये देखिए, ये सब कुछ इसने बनाया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इन दोनों के पास। हेलो, थैंक्स। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये प्रिया की रूममेट, जो कभी भी अपने रूम पे नहीं रहती है, बस इन्हीं के रूम पे, बस ये मेरी है। ओह थैंक्स, दी ब्लॉगर, हाँ ये भी ब्लॉग करती है और काफी अच्छा ब्लॉग करती है, मतलब ये पढ़ाती बहुत अच्छा है, फॉर फ्रेशीज, मतलब जो अभी आने वाले हैं और जो आ चुके हैं उनके लिए ये है। तो अपने चैनल का नाम बता दे यार, मेडिकल नोट्स एंड ब्लॉग्स विद ज्योति, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड ईयर के फ्लोर पे, और हम अपने रूम का ओरिएंटेशन, मतलब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ बट लास्ट में आके दूंगी। अभी हम चलते हैं थर्ड ईयर के फ्लोर पे और देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बस लास्ट फ्लोर बचा है, उसके बाद हमारा हॉस्टल का टूर दी एंड हो जाएगा। Welcome back to Vadi's room. Hi,
गंदगी बनी रही तू? क्योंकि मेरी मैं नहाए नहीं रखती। आज सबका संडे बन रहा है गाइस। सभी संडे बन रहा है और कभी नहीं आती है। पर हमने तो इसको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया है अभी यहाँ पे। ये संजना, संजना से हाय। और ये रही हमारी, मतलब ये रही इसकी रूममेट संजना। संजना कुछ बना रही है। संजना क्या बना रही है? ओ माय गॉड, यार बस मूवी देखने की बारी है। संजना ने पॉपकॉर्न ऑलरेडी रेडी कर लिए। इनके रूम पे हनुमान जी भी दिख रहे हैं। और वो रही हमारी मेस। हम यहाँ से जाते हैं और वो रही हमारी मेस। क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही? वहाँ पे अदरक रखा है, चोर तो चोर सकते हो। ये मेस चोर, सबसे बड़ी चोर है। तो ये रहा थर्ड ईयर का फ्लोर। यहाँ पे पूरा थर्ड ईयर रहता है और इधर पे कोई नहीं रहता है। इधर पे पता नहीं कौन रहेगा। और चलो मैं एक रूम दिखाती हूँ। ये है इनका बर्थडे सेलिब्रेशन रूम। तो अभी हम जा रहे हैं अनीता के रूम पे। अनीता का रूम कौन सा है? कौन सा है क्या? अनीता का रूम कौन सा है? इतना लास्ट पे। तो चलो अभी हम चलते हैं सरदर्द के पास। हाँ अपना हेडेक लेने। अनीता एंड शर्मिन, हेलो। शर्मिन आउटिंग जा रही है। अनीता क्या कर रही है? ये अनीता क्या कर रही है? अनीता टीएच पढ़ रही है। अनीता पढ़ाई कर रही है। मैं टीएच पढ़ रही हूं। तो ये है हमारी जूनियर का टेडी बियर। उससे काफी ज्यादा बड़ा है ये। संभाला भी जरा, फिर भी जबस्ती पकड़ना है ना। ये सवाल बहुत प्यारा लग रहा है यार। मुझे भी चाहिए ऐसा टेडी बियर। मुझे कौन दिला सकता है ऐसा टेडी बियर? मैं दिला दूंगी रोमन। जरूर बताना प्लीज। और ये कनिकाने, कनिकाने अपने जैसी डॉल पकड़ी है। सेम सेम मैचिंग की डॉल है एनाबेल। ये अनीता की डॉल, वो यूनिकॉर्न। वाओ, वो सबसे प्यारा है। रो क्यों रहे हो फिर? मेरे को चाहिए। गौर से देखिए इस लड़की को। दिमाग तो इस पे बिल्कुल भी नहीं है। बट इसके कोट्स देखिए आप। नर्सिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट हैज अ हार्ट। नर्सिंग इज नॉट जस्ट अ साइंस, बट इट हैज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पता नहीं क्या लिखा है, मतलब बताइए। मतलब बताना। और दूसरा, टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज, इसका मतलब बताइए। तो अभी मैं आप लोग को फिर से अपने रूम का ओरिएंटेशन कराने वाली हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा ठीक किया है रूम को। दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा रूम और आज मैं दोबारा से आपको ओरिएंट करा रही हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है ये। आप लोग को चेंजेस दिख नहीं रहे होंगे, बट हमने किया है यार, मेहनत किया है इस रूम पे आज। तो ये रहा मेरा रूम, ये रहा मेरी फ्रेंड का बेड और वो लेटी है मेरी फ्रेंड कनिका, उधर ही लेटी रहती है वो। वहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आती है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोग को। ये रहा कनिका का कॉलेज का बैग और ये रहा मेरा कॉलेज का बैग। ये हमारे रूममेट गोल्स। और इस मोटू से तो आप मिल लिए होंगे। ये है कनिका का टेडी बियर क्रिस्टल, जो हाय बोल रहा आप लोग को। एक चीज़ और दिखाती हूँ, एक चीज़ और दिखाना तो भूल गई, मतलब दो चीज़ और दिखाना भूल गई, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहले आप मिलिए आर्टिस्ट और अब मैं दिखाती हूँ इसकी बनाई हुई आर्ट। काफ़ी प्यारा बनाती है यार ये। तो उस दिन मैं ये दिखाना भूल गई थी। तो ये है कनिका की आर्ट। इनमें से सबसे फेवरेट है मेरा दिस वन, मुझे बहुत पसंद है ये। इसने बहुत ही सुंदर बनाया है। बाकी सारे जूनियर्स और सब लोग आके हमें पूछते हैं कि ये किसने बनाया है, तो मतलब उनको लगता है कि ये प्रिंट करा है, बट नहीं, ये इन मैडम का काम है। ये इतना अच्छा ड्रॉ करती हैं। और एक चीज़ और, मेरी ड्राइंग भी। दिस इज़ माई ड्राइंग, ये मैंने बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे हम कुक करते हैं, मतलब यहाँ पे हम पानी को बॉइल करते हैं और इंडक्शन वगैरह रखते हैं, जो भी खाना होता है वो इधर पे ही बनता है। तो ये है हमारा छोटू किचन। हाँ, लेजी लाइट भी बनाया है मैंने। और जब हमें गुड नाइट बोलना होता है ना, तो हम यहाँ पे आके गुड नाइट बोलते हैं, मतलब मजाक करी हूँ, जस्ट किडिंग। बट मैंने ऐसे ही बनाया क्योंकि मुझे लेजी, थोड़ा सा लेजी लोग पसंद है। और बस इतना ही आज के लिए है ना। यस, खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे हॉस्टल का टूर, जूनियर्स के रूम का टूर, मेरे रूम का टूर एंड मेरे फ्रेंड्स के रूम का टूर। होप यू लाइक दिस वीडियो
And do like, share and subscribe. Vlogs by Nikki. Yes. And stay tuned. Bye. Bye.